जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आज अस्सलाम। मेरा सवाल है कि क्या खुला लेने के बाद वो कपल फिर से शादी कर सकते हैं? बहन ने खुला के बारे में सवाल किया है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो गया तो क्या खुला के बाद दोबारा वो दोनों दोबारा शादी कर सकते हैं, क्या दोबारा मिलने की कोई सूरत है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि खुला के बाद दोबारा वो दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन जब दोबारा शादी करने जा रहे हैं खुला के बाद, तो ये मुकम्मल तौर से नई शादी है। नई शादी का मतलब, जैसे पहली बार शादी करने में औरत की रजामंदी जरूरी होती है, वली की रजामंदी जरूरी होती है, महर होता है, निकाह का ऐलान होता है, सारा प्रोसेस जो पहली बार शादी करने में होता है वो सारा प्रोसेस यहां पर फॉलो करना होगा। तो खुला के बाद दोबारा वो दोनों रिश्ते इज्दवाज में जुड़ सकते हैं मुकम्मल नए प्रोसेस के साथ, क्योंकि जो खुला है वो तलाक नहीं है। तलाक के अहकाम अलग हैं, खुला के अहकाम अलग हैं। खुला ये फस्ख है, ये तलाक नहीं है। लिहाजा चाहे जितनी बार खुला हो, खुला के बाद वो दोनों दोबारा मियां बीवी बन सकते हैं नई शादी करके। जी सिस्टर नईमा खान, आपका आपका जवाब मिल गया। जी, इसमें कोई स्कॉलर्स की इख्तिलाफ राय नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट दूसरी बात सुनने में आती है कि ये तलाक बाइन मानी जाती है, इसमें हाँ रुजू नहीं देखिए, होता है। बिल्कुल आपने इख्तलाफ की जानिब इशारा किया कि असल में इस मसले में फुकाहा के दरमियान इख्तलाफ है कि क्या खुला ये तलाक है या खुला फस्ख है। सही बात यह है कि खुला तलाक नहीं है, खुला फस्ख है। इसकी दलील क्या है? आप कुरान के अंदर जो तलाक की आयतें हैं, आप कुरान अभी खोलिएगा, तलाक की आयतों को पढ़िएगा, कई आयतें हैं। यहां से शुरू होती है बात कि अत्तलाक मर्रतान, यहां से तलाक की का मसला शुरू होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कहा कि अत्तलाक मर्रतान, तलाक दो बार है। उसके बाद कुछ मसाइल का जिक्र किया, उसके बाद खुला का जिक्र आया। खुला का जिक्र आया दो तलाक के बाद, फिर आखिर में खुला का जिक्र जहां पे खत्म हुआ वहां पे तीसरी तलाक का जिक्र आया कि जब तीसरी बार तलाक दे दिया तो अब उसके लिए हलाल नहीं है। तो अगर हम खुला को तलाक मानते हैं तो तीन तलाकें नहीं होंगी बल्कि चार तलाकें हो जाएंगी। दो तलाक का जिक्र पहले आया तलाक मर्रतान, फिर खुला का जिक्र आया, अगर इसे तलाक मानते हैं तो तीसरी तलाक हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो है आखिर में तीसरी तलाक का जिक्र है। तो सही बात यह है कि खुला ये फस्ख है, ये तलाक नहीं है। इख्तलाफ गर्चे है इस मसले में, लेकिन राजे किताबो सुन्नत की रोशनी में यही है कि खुला तलाक नहीं है बल्कि ये फस्ख है।